व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो भाई, स्वागत है आपका इस न्यू गेम प्ले सीरीज के अंदर। सर गेम प्ले नया तो नहीं है तो पुराना, इसके भाई लास्ट पार्ट बनने वाला है। तो भाई अपना द वॉकिंग डेड जो सीरीज हमारी स्टार्ट थी सीजन वन की, तो भाई उसी को मैं अपना आज इसको कंप्लीट करने वाला था। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा जो भाई वो औरत वहाँ पर फंस गई थी, तो मैं उसको कोशिश किया बचाने की, भाई बचा भी लिया लेकिन वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, तो भाई वो अपने आप को गोली मार ली। तो देखो वहाँ से मैं निकल पड़ा था क्योंकि बहुत सारे जॉम्बीज आ चुके थे। तो भाई जैसे कि देख रहे हो आप अपने ड्रग स्टोर पे वापस आ चुके थे यहाँ पे। उसके बाद तो ये भाई बंदा आके हमसे थोड़ी बात कर रहा क्योंकि पूछ रहा है कि क्या क्या हुआ था उसके बारे में। तो भाई उसे बात करना खत्म हो गया। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं कि वहाँ पे कैसा लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं इस वहाँ से पूछने वाला हूँ उस लड़की से जो कि भाई अपना सो, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही चलेगा कौन है। तो सबसे पहले इससे पूछते हैं, उसके बाद भाई कि मतलब कैसा था इसका एक्सपीरियंस ऐसा, तो उसी बारे में थोड़ा पूछेंगे। तो भाई जैसा कि देख रहा हूँ मैं, इससे पहले पूछा ना कि वो बंदा तुमको बचा, क्योंकि ये मतलब मेरे से भाई पिछली बार बात किया तो मेरे से बोला कि इसने मेरी जान बचाई, क्योंकि वो भाई दिखने में ना एकदम डम टाइप का लगता है सर, उसका नाम भी डम ही है, मतलब है ऐसा ही कुछ। तो कोई दिक्कत नहीं था भाई, मैं सोचता हूँ ना शायद यही हुआ तो इसीलिए मैं उससे पूछा। तो बोल रही कि हाँ तुमको भरोसा तो नहीं होगा लेकिन कोई नहीं यही बचाया, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बात तो हो चुकी है यहाँ पे। क्योंकि उसके बाद आप चलते हैं कि जो भाई यहाँ पे अपने बंदा जो वहाँ पे छिपा हुआ था थोड़ी बहुत उससे बात करते हैं, क्योंकि भाई देखो वो बंदा ना थोड़ा सही है। उसके बाद थोड़ा सा ना वो डरा हुआ था क्योंकि यार जिसको जो पसंद आई लड़की वो सामने ही मर गई उसके, अब क्योंकि देखो अभी लास्ट में आपको पता देखिए दिखागा कि मतलब वो कितना ज़्यादा मिस कर रहा उसको। और सच में यार मतलब उसको चेहरा देख के ही लगा, जैसे वो बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे छोड़ दिया तो उसका मुंह बन गया था। तो कोई नहीं, से और थोड़ा कुछ पूछते देखो उसी बारे में मेरे से बात कर रहा। तो जैसा कि देख रहे भाई इससे बहुत थोड़ी बहुत बात करते हैं, उससे चलते हैं यहाँ से। उसके बाद अब मेरे को ना सबसे पहले अब आगे का स्टेप यहाँ पे अगला चैप्टर मेरे को ओपन करना, तो उसके लिए ना मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाने के लिए ये डॉग्स से बात करनी पड़ेगी जो कि भाई अपनी वाली की जान बचाया था, तो भाई इसकी तो जान हम बचाएंगे ही, लेकिन देखते हैं। जैसा कि देख रहे भाई इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि बाहर चलने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, तो भाई देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हो थोड़ी बहुत इससे बात किया और भाई ये चल अब इसे पूछ लेते हैं ना बाहर चलते हैं, क्योंकि अब भाई मेरे को अगला चैप्टर अनलॉक करना है ना, तो सबसे पहले मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसा कि देख रहे हो भाई यहाँ पे इससे बहुत बात करते हैं और भाई हम दोनों रेडी हो जाते हैं तुरंत जाने के लिए। तो जैसा कि देख रहे हो भाई हम दोनों वापस वहाँ पे बाहर आ चुके हैं और भाई देख रहे हो कितना डर सा लग रहा है। भाई एक बार तो मैं बाहर आया था लेकिन तब इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन अब सीन थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो जैसा कि देख रहे हो भाई चारों तरफ जोम्बी जगह का खतरनाक हुआ है, क्या ही घूम रहे चारों तरफ ये लोग, मतलब देख रहे हो यार जैसे लग रहा है भांग खा के घूम रहा है भाई, क्या छी यार कितना गंदा है यार, बेचारे का तो नौगी बहने लगा है, छोड़ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ना यहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ेगा, उसे एक्सप्लोर करने का तो भाई अभी हिंट मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पे सारा का सारा सिचुएशन देखना, तो आगे सेल वाला लगा है शायद वहाँ पे कुछ टेलीविजन रखे हैं, तो देखते हैं उसका कुछ काम होगा तो भाई उसको भी करेंगे। तो जाके देख रहे हो भाई इससे थोड़ी बहुत हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं कि क्या होती है यहाँ पे। तो जैसा कि देख रहे हो भाई यहाँ पे लगभग सारे ऑप्शन तो मेरे को दिखने स्टार्ट हो गए, सबसे पहले यहाँ पे बिक्स पड़ी है, तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे आगे थोड़ी टेलीविज़न है जिससे वाले, तो सबसे पहले रिमोट का यूज़ करके देखते हैं कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं रिमोट यूज़ कर लेकिन कुछ हो नहीं रहा मेरे से, शायद मैं शायद बगल वाले को तो शायद उसके पास कुछ होगा, शायद उसको यूज़ कर सके क्या पता। भाई इसको रिमोट दिया और भाई एक तो भाई ये कुछ कर रहा है इसमें यार, क्या भाई रिमोट में कौन सी प्रोग्रामिंग करने लगा यार, ऐसा भी कुछ होता है यार मेरे को पता ही नहीं था, मतलब रिमोट से प्रोग्रामिंग कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा, कोई नहीं देखते कि काम कर लेता है कि नहीं कर लेता। तो भाई इसमें पता नहीं क्या क्या बटन दबा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई इसने, मतलब रिमोट में ही प्रोग्रामिंग कर दिया और भाई यार स्टार्ट भी कर दिया टीवी यार, क्या खतरनाक बंदा है यार, मतलब किसी भी रूम रिमोट का प्रोग्रामिंग करके भाई दूसरा ये स्टार्ट कर दिया, भाई बड़ा खतरनाक बंदा है। तो भाई जैसे देख रहे हो भाई इससे जो चित्र चल रहा ना इससे जॉम्बीज तो थोड़े बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ये लोग उनको समझ नहीं आ रहा कि कुछ है, मतलब इनको कुछ मतलब जीता जागता नहीं लग रहा। तो भाई उसके लिए ना मेरे को वहाँ पे जो कांच है वहाँ पे एक साउंड करना पड़ेगा, तो साउंड करने का मेरे पास जो ब्रिक्स है ना मेरे को वो फेंक के मारना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे भाई ये देखो यहाँ जो बंदा पीछे वहाँ पड़ा है ना, देखो वो बंदा जो दिख रहा है ना भाई उसी फोटो सेम मिल रही, वैसे वो अपना भाई है लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकते इस चीज़, वो चीज़ बस वही काली को पता है जो कि भाई अपनी आइटम है। तो भाई जैसे उसको भाई आप नहीं देख रहे हो इसको मैं फोटो दिखा रहा हूँ है, लेकिन देखो इनडायरेक्टली तो अपन मेरा भाई है, मतलब इस गेम में मेरा भाई है वो, लेकिन मैं बता नहीं सकता ना, तो भाई मैं बताऊंगा कि उसकी फ़ोटो है तो शायद उसके पास की होगी जो हमारा उसका मैकेनिक वाला रूम है, मैकेनिक नहीं उसे तो कोई नहीं, सबसे पहले वहाँ पे सबसे चलते हैं। तो भाई मेरे को ये गेट का लॉक तोड़ना पड़ेगा क्योंकि चाबी पता नहीं कहाँ चली गई, तो मेरे को गेट ही तोड़ना पड़ेगा यहाँ से उसके पास। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है।
तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि देख लो भाई यहाँ पे गेट टूट चुका है, तो भाई यहाँ पे मेरे को ना गेट को थोड़ा खोलना पड़ेगा, तभी मैं ईंट निकाल सकता हूँ पीछे से। तो जैसा कि देख लो मैं यहाँ पे मस्त तरीके से ईंट को निकालने की कोशिश करता हूँ, और भाई आप ईंट को खींच के भाई उसी दरवाजे में मारना है हमको। जैसे देख लो भाई गेट में यहाँ पे ईंट भी ले लिया हाथ में, अब भाई उसको खींच के बस मेरे को मारना है। तो उसके लिए बस कुछ नहीं, थोड़ा सा भाई उसको टच करके बाइक खींच के देना है बस, और कुछ नहीं। बस भाई जॉम्बी के सर पे ना लगे, उसे लगेगा नहीं, निशाना पक्का है। तो भाई देखो यहाँ पे टूट गया ना कांच, अब यहाँ पे साउंड हुआ तो जितने भी जॉम्बीज हैं ना सबके सब भाई उसी के ऊपर जाने वाले हैं। तो जैसे कि देख लो भाई सारे के सारे उसी साइड अट्रैक्टिव होकर, क्यों वो हिल भी रहा है, तो उसके स्क्रीन हिल भी रही और वहाँ पे साउंड भी है, इसका मतलब जॉम्बीज को लगेगा कि वहाँ पे बंदे हैं। तो भाई यही मौका है मेरे को उस बंदे तक पहुँचा, क्योंकि उसके पास से मेरे को की लानी है। तो जैसा कि देख लो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले क्राउच होकर भागता हुआ जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना भाई अगर एक भी जॉम्बी मेरे को देख लिया दौड़ते हुए तो भाई मेरे को मार देगा। तो भाई वो बिल्कुल नहीं चाहता, मेरे को भागना पड़ेगा। तो जैसा कि देख रहे हो भाई मैं यहाँ पे भागता हुआ तेज चुपके चुपके से आ गया, उसे कोई देख तो नहीं रहा हमको। तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई ये वाला जॉम्बी फंसा हुआ है, और भाई ये अपना भाई है यार, इसको कसम देख के मन तो नहीं कर रहा कुछ करने का, लेकिन अभी जॉम्बी बन चुका है ना भाई, यहाँ पे मतलब इसको रोक के भी कुछ करने नहीं, मतलब मैं इससे बोल रहा कि यार क्या ही बताऊँ, ये पीछे बुला रहा था भाई, गुस्सा लग रही है यार। एक तो भाई से अपने बात कर रहा उसी में क्या ही बताएं, कोई नहीं, सबसे पहले इसको सॉरी बोल देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था और इसके साथ ऐसा कुछ हो गया, मतलब इसको जॉम्बी बन गया, इसको इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि मैं तो भाई वहाँ पे था ना, मेरे को अरेस्ट कर लिया था। तो सबसे पहले इसको बचाने की कोशिश करते, लेकिन बचेगा नहीं यार, क्योंकि जॉम्बी बन चुका है और वही दवाई है नहीं, तो मेरे को मारना पड़ेगा इसको भाई। दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन अब क्या करें यार, कुछ भी हो भाई भाई है तो मारना तो क्या ही बताएं, छोड़ो। तो कोई नहीं, सबसे पहले इसको मारते हैं भाई। मरा नहीं शायद, मर गया शायद भाई, मर गया पता है वो भाई, मरा नहीं है यार, डरा दिया सच में। कोई नहीं भाई, मेरे को मारना पड़ेगा। अब कसम था मारने का बिल्कुल मन नहीं इसको, लेकिन अब भाई मारना पड़ेगा, क्योंकि अब इसी के पास मेरे पास की मिलेगी, और भाई जब तक इसको मारेंगे नहीं की मेरे को मिल नहीं सकता, तो भाई अब वो क्या ही कर सकते। तो कोई नहीं, इसको मार दे भाई यार, मर क्यों नहीं रहा, कितनी जान इसके अंदर यार। कोई ना, अब सर में लगा, अब नहीं बचने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हो भाई इसको मार दिया, अब भाई इसको इसके पास से मेरे को की निकालनी, सबसे पहले मैं ऐसे की उसके पास उठा लूँगा, की लेने के बाद मैं वापस निकलने वाला, क्योंकि भाई कभी भी हो सकता है भाई ज़ॉम्बीज देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा कि देख रहे हो भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद भाई इससे की भी मिल चुकी है, तो भाई उसको बता देते हैं ना, जो पीछे अपना डॉग खड़ा हो तो उसको भी बता देते हैं, डॉग नहीं भाई डॉग। तो सबसे पहले इसको बता देते हैं कि शायद बढ़िया हो जाए। तो जैसा कि देख रहे भाई एक ज़ॉम्बी देख लिया मेरे को, ओ भाई लोग मेरे पास आने लगे, मेरे को भागना पड़ेगा भाई, सारे वापस आ रहे हैं यार, क्या है जॉम्बी से भाई, मेरे को भागना पड़ेगा यार, भागने कोई दिक्कत नहीं है। अभी वापस आ गया और गेट बंद कर दिया, बहुत बढ़िया भाई डॉग, बहुत बढ़िया। आप चलते हैं अंदर, उसके बाद अगला लेवल स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे भाई मैं अंदर आ चुका हूँ, लेकिन कसम से बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि अपना भाई खत्म हो गया, तो अब क्या ही बताएं, अब छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि देख रहे भाई यहाँ पे मैं इसको तो भाई चाबी लेकर आ चुका, अब मेरे को वही मेडिकल फार्मेसी वाले के रूम में जाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं भाई, ये लड़की है तो इसी के साथ जाना है, क्योंकि अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर भाई कर सकता तो कॉली के साथ जाता, लेकिन अब नहीं जा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रूम में आ गए, अब मेरे को वो फार्मेसी वाले रूम पे चलना है, क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास है अभी, अब वो गेट का दरवाज़ा खुल जाएगा, तो सबसे पहले वहीं जाने वाला हूँ मैं। तो जैसा कि देख रहे हो भाई सबसे पहले वहीं पर स्पीड में जाओ यार, क्या करता है मतलब इतना धीमे धीमे चलता है, क्या ही होता है। तो जैसा कि देख रहे भाई यहाँ पे मैं आ गया, तो भाई मेरे को की लगानी पड़ेगी और मस्त तरीके से भाई हम लोग इंटर हो जाएंगे यहाँ पे। तो भाई जैसा कि देख रहे भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके, गेट भी खुल चुका, तो भाई अंदर जाते ही वो भाई सायरन की मुझे नहीं लगा यार, ये भाई ये सायरन नहीं बजना था, क्योंकि सायरन बजाना इसका मतलब पता है जितने सारे ज़ॉम्बीज हैं ना भाई सारे के सारे ऊपर आने वाले हैं, जो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस एरिया में जितने भी जहाँ तक सायरन का साउंड जाएगा ना सारे ज़ॉम्बीज मेरे ऊपर आने वाले हैं। जैसे देख रहे हो ये लोग भाई सो रहे हैं भाई, मरे हैं नहीं भाई, इसके अंदर जान है आ रहा है, क्या मतलब क्या करने वाले, ये तो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, उसके पीछे पेचकस लगा है यार, क्या खतरनाक मतलब सही बता रहे भाई। मेरे को सबसे पहले ना भाई ये कहाँ जा रहे, मतलब मेरे हो सकता है भाई अपने ड्रग स्टोर पे ही आ रहे हो, क्योंकि भाई देख रहे हो उसी साइड में जा रहा हो भाई, ये सायरन का साउंड कसम से दिमाग खराब कर दिया, सायरन नहीं बजना था यार, बहुत गंदा किया चीज़। तो मेरे को सबसे पहले ना भाई यहाँ पे देखते हैं क्या होता है भाई, क्योंकि अभी स्टोरी मोड चल रहा, तो भाई मेरे को यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। तो जैसा कि देख रहे भाई जहाँ जितने जॉम्बी जो सारे के सारे भाई ड्रग स्टोर पे आ रहे, भाई क्या दिक्कत होने वाली है यार, मजाक नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, सब लोग अलर्ट हो गए, क्योंकि सबको पता है जॉम्बी भाई बहुत तगड़ा अटैक करने वाले, तो भाई जितने लोग हैं सब के सब, और इस टाइम ये भाई अपना लीडर बना है, केनी अपना लीडर बना है, तो सबसे पहले भाई इसे अपना सबको बता रहा कि क्या क्या करना है, कि सबको मतलब उसके हिसाब से। तो जैसे देख रहे हम तीनों को बोल दिया कि गेट को सुरक्षित रखने के लिए, तो भाई जैसे ली को बुलाया, ली को बोला कि गेट से जॉम्बी को आने देना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी एक्स मांग रहा तो अपनी एस को दे देंगे, क्या पता भाई ये कुछ उसका यूज़ करे। तो फिलहाल तो भाई मेरे को तो
कहाँ यूज तो मैं कर सकता था, लेकिन क्या पता इस चीज़ में मेरा कोई रोल ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मेरे को सबसे पहले चल के गेट को लॉक करना है, क्योंकि भाई हो सकता है ज़ॉम्बीज़ बहुत गंदा मारने आने वाले हैं, तो भाई फोर्स करेंगे तो भाई बचना पड़ेगा ना। तो जैसा कि देख रहे हो भाई, रुको यार कहाँ मैं घुस रहा यार, रुको मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ना इस बंदे को यहाँ से हटा दिया, उसके बाद भाई अपना पूरा फोर्स करता हूँ। भाई ये बोल रहा यार बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, बेचारा डर रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई पता है थोड़ा डब्बू टाइप का है। लेकिन हाँ भाई क्या टेक्निक लगाया यार, रिमोट को ही पूरा का पूरा स्कैन कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये लूर को मेरे को बंद करना पड़ेगा, जैसे कि देखो गेट को बंद किया, बार बार आ रहा, तो भाई क्या दिक्कत कर रहा। ओ भाई पकल से गेट तोड़ दिया यार ये लोगों ने, भाई कितने ज़्यादा ज़ॉम्बीज है, भाई बगल से गेट तोड़ दिया यार, खतरनाक है। रुको उनको ये बच्चा बहुत बढ़िया अपनी वाली, इसको भाई आप अच्छे से शॉट दे दिए। उसके बाद भाई मैं इससे बोल रहा कि शायद एक ऐसा टूल लेके आओ जिससे कि मैं फंसा सकूँ, तो देखते हैं कि क्या ढूंढने लाते। सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं यार, सच बता रहे हैं। रुको मैं इसको भेज देता हूँ भाई, ये मिल जाए यार, कोई नहीं बोल रहे कि ढूंढ रख जाओ एक मिनट। तो भाई मैं इसको भेज देता हूँ कि शायद विंडो के पास जाके कवर करेगा भाई मेरे को यहाँ पे बंद करना, क्योंकि मैं अकेले हूँ और अकेले भाई बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरे को यहाँ पे लॉक करता हूँ। उसके बाद ओ तेरी गई छड़ी लेकर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको ना दरवाजे में फंसा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को यहाँ पे फंसाना पड़ेगा, तो मैं एक बार फोर्स लगा के सीधा डाल दिया। अब भाई ये गेट नहीं खोल सकते, क्योंकि गेट एक तरफ से लॉक हो गया पूरा। भाई ये क्या होगा भाई, ओ तेरी भाई दोनों को भाई भाई दोनों को खतरा यार। अब भाई मेरे को यहाँ पे एक चूज़ करना पड़ेगा, और भाई सिंपल सा है, तो भाई अपनी वाले को मैं चूज़ करने वाला हूँ। ये भाई सिंपल है, देखो मैं चाहता तो हूँ दोनों बचा लूँ, लेकिन भाई अभी ना केवल एक को मैं बचा सकता हूँ, तो दोनों में से मेरे को एक बचाना है। तो भाई एक सिंपल सा तरीका है, तो भाई अपनी वाले को मेरे को बचाना है, तो सबसे पहले ना उसको बचाते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो भाई, मैं इसके पास गया, इसके बैग में से बुलेट निकाल के इसको दे देंगे। जैसे कि देखो भैया, जैसे इसको बुलेट के दिया, उसके बाद भाई ये इसको मार दिया, इसको भी मार दिया। लेकिन भाई यार ये बच्चा उसको भाई नहीं बचा पाया यार, बहुत दुख हुआ भाई, डॉग को नहीं बचा पाया। मैं सो बचाना तो दोनों को चाहता है, लिटरली बचाना दोनों चाहता था, लेकिन भाई बच केवल एक सकते थे। तो भाई अब क्या बताएं, कोई नहीं भाई, ये बंदा आ गया, बोल रहा कि बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ पर शायद अपनी कार ही और लेके चला आया। भाई ये बड़ी ये क्या हुआ भाई, क्लेमेंटाइन को भाई पकड़ लिया ज़ॉम्बी को, मेरे को लात मारना पड़ेगा इसको, क्योंकि तभी ये रुकने वाला है। इसके भाई यही वाली भाई जिसके आप मत्थे पे पेचकस घुसा हुआ है, कोई नहीं भाई मेरे को भागना पड़ेगा। रुको सबसे पहले यहाँ पे मेरे को भागना पड़ेगा। बुड्ढा गेट ना बंद कर दिया, ओ तेरी यार बंदा भाई गेट बंद कर दिया मेरे मुँह पे, भाई मैं गिर गया सीधा, क्योंकि कोई शायद कोई बचा ले यार, क्योंकि भाई नहीं आ गया भाई, ये अपना दोस्त आ गया। ओ बुड्ढा भाई गेट बंद कर लिया, मतलब मेरे को मारना चाहता था, क्या बंदा है यार वो, भाई ऐसे कौन दोस्ती निभाता है यार। मतलब मैं उसको बचा नहीं बचाया, मैं उसके लिए मेडिकल पूरा सब कुछ दिया, और भाई अपने गेट ही बंद कर दिया मेरे मुंह पे, तो कोई नहीं भाई वहाँ से हम लोग स्केप कर चुके हैं। और भाई ये वाला अपना लेवल कंप्लीट हो चुका है, तो भाई जैसा कि देख रहे हो भाई खतरनाक फाइट हुई, एक नंबर, मतलब मज़ा ही आ गया, क्या खतरनाक फाइट थी। तो वैसे देख लो भाई हम लोग इसके बाहर, भाई कितने ज़ॉम्बीज हैं यार, भाई ये मर चुका है, क्या हुआ इसको, हेलो भाई क्लेमेंटाइन के पास, इसका मतलब ये मर चुका है यार। लेकिन भाई इसको कौन घसीट रहा, भाई घसीट क्यों रहा, अच्छा भाई इसको शायद यहाँ पे लगा के फूल जलाने वाले होंगे। और भाई ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर भाई कैपेसिटी है, भाई इसको भाई कब कैसे कर ले रहे, भाई मेरी तो भाई सांसें फूल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, भाई ये अपने भाई फैमिली को देख के रो रहा, क्योंकि भाई इसकी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई, और अपने इसने तो अपने भाई को ही मार दिया, अब क्या ही कर सकते भाई, वैसे भी बचा नहीं सकते थे उसको, तो भाई मारना तो पड़ता ना उसे, भाई ऐसे जीने से अच्छा तो मरी जाओ जाता सही है। तो जैसा कि देखो भाई अभी चलते हैं, सबसे भाई अलविदा लेते हैं, सबसे पहले इस बंदे के पास आते हैं। तो भाई ये भी रेडियो सुन रहा है यार, बोल रहा रुक जाओ 5 मिनट, मतलब क्या ही बंदा मुझसे बात करने आ रहा है, मेरे को ही वेट कराने को बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, शायद इसको कोई न्यूज़ चाहिए होगी। तो जैसा कि देख रहे हो ये अपना भाई न्यूज़ से बात कर रहा, तो भाई इसको क्यों जलन हो रही है, भाई इसको क्यों जलन हो रही, मैं इससे बात करने तो इसको जलन हो रही, मतलब क्या है भाई, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमको अपनी काली से मतलब, भाई तू क्या करने आ रही है भगो यहाँ से। जैसा कि देख रहे भाई इससे थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो भाई मैं इससे बोल देता फाउंड योर फ्रेंड्स, क्योंकि भाई अभी यहाँ से जाने वाला है, तो अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा ज़्यादा सही है, क्योंकि भाई अकेले रहने से अच्छा ना दोस्तों के साथ ज़्यादा ठीक है। तो कोई नहीं अभी बोल देता ठीक है। उसके बाद भाई ये देखो इसी गेट में वो लड़की थी, जहाँ इसको जहाँ अपने आप को जो गोली मारी, भाई यार इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, मतलब पहली बार में इसको पसंद आ गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और उसको इन्फेक्टेड थी, तो वो अपने आप को ही गोली मार ली, इसको दुख तो हुआ, लेकिन क्या कोई नहीं, तो भाई ये चला जाता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाय बाय टेक केयर। तो जैसा कि देख रहे हो भाई इससे बात हो चुकी है, तो भाई इससे आके बात करते हैं, शायद भाई ये भी बोल रहा है इसको पता से ज़्यादा फिक्र पड़ रही क्लेमेंटाइन की, वैसे सही भाई, क्योंकि भाई मैं अकेला हूँ और भाई मेरा तो कोई वही नहीं है, और क्लेमेंटाइन ये भी नहीं कि मेरी बेटी है, तो इसीलिए ना उसको थोड़ी फिक्र हो रही है, क्योंकि इस मेरे साथ कोई ऐसा नहीं ना जो उसका ख्याल रख सके। तो कोई बात नहीं है, इससे मैं बोल देता हूँ कि मैं उसका ख्याल रख लूँगा। तो जैसा कि देख रहे हो भाई अब सबसे पहले चल के ना अपनी कार्ली से बात करते हैं।
अपनी बोलना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सही देखिए भाई, सबसे पहले चल के अपनी कॉलेज बात करते हैं, उसके बाद भाई उसे देखते हैं कि क्या। तो भाई पता है ये इसके अंदर पता नहीं किस चीज़ का कन्फ्यूजन है, बोल रहा है कि डॉग हो मेरे में से कि मेरे को चूज़ किया। तो भाई मैं इस पर क्या रिप्लाई दूँ यार। अब भाई देखो डायलॉग तो मैं बोलना चूँ बोल सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो जैसा कि देख रहे भाई, मजे मत लो यार, कमेंट में मजे मत लेने लग जाना, बता रहे हैं। जैसा कि देख रहे भाई, मैंने बोल दिया कि भाई अब सुधीरा बोलेंगे ना कि भाई आई लाइक यू टू, तो इसीलिए बचा लिया। अब देखो मौका एक ही है, क्या पता इसके बाद मिले या ना मिले, तो भाई बोल दो ज़्यादा ठीक है, लास्ट टाइम बोल दो कम से कम। तो कोई नहीं भाई, बोल दिया तो वह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बोला कि वो मेरी मुझे बचाया था लेकिन वो मर गया। तो कोई नहीं भाई, उसके लिए सैड है, लेकिन अब दोनों मैं दो बचाता हूँ, दोनों चाहता था, लेकिन अब एक को चूज़ करना था, तो भाई इसको चूज़ करना मेरा भाई फर्ज था। तो कोई ना, ये भी बोल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू बोथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बचाना तो दोनों को चाहता था, लेकिन अब छोड़ो भाई, किस्मत में नहीं था तो क्या कोई कह सकते कोई। तो जैसा कि देख रहे भाई, इससे बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं, क्योंकि भाई अब इससे कितना बात करेंगे। तो जैसा कि देख रहे भाई, अभी क्लेमेंटाइन से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी है, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ें भाई, लास्ट टाइम तो भाई उसको ज़ॉम्बीज पकड़ चुका था, लेकिन भाई मैं लास्ट से बचा के उसको बचा लिया। ले भाई मेरे को बुढ़ा दाख रहा, कसम से इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही, अगर इसमें ना भाई मेरे पास गन होती ना, बुढ़े को मैं मार देता, लिटरली बता रहा, क्योंकि भाई इसने मेरी जान लेने की कोशिश करी यार। भाई ज़ॉम्बीज